आज डिस्कस करेंगे लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में। लेज़र बीम मशीनिंग कैसे वर्क करती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लेज़र बीम मशीनिंग बेस्ड है लेज़र के ऊपर। लेज़र क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। मीन्स हमें क्या करना है, एक लाइट को एम्प्लीफाई करना है और उसको यूज़ करके हमें मटेरियल को रिमूव करना है। तो ये लेज़र का यूज़ करती है उसके लिए। लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन रेडिएशन। तो ये जो लेज़र है, एक एम्प्लीफाइड लाइट होती है जिसको हम निकालते हैं, उसकी रेडिएशन को यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और ये अलग अलग एनर्जी लेवल हैं इलेक्ट्रॉन के। 1, 2, 3, 4 हाइयर एनर्जी लेवल हैं। जैसे लोअर है, ये हाइयर और ये उससे हाइयर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं, हम इसको एनर्जी देते हैं और ये एनर्जी लेके हाइयर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, इसको और ज़्यादा एनर्जी दें तो ये और हाइयर लेवल पे चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी दें तो हाइयर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, क्योंकि ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी लिबरेट करेगा जो कि लाइट फॉर्म में होगी। तो ये विजिबल लाइट फॉर्म में जो होगी, इसका हम यूज़ करेंगे मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको छोड़ता है, तो वो जो विजिबल लाइट फॉर्म है, तो उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लेज़र का कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले तो हमें चाहिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई किस चीज़ के लिए? जो कि हमारी कनेक्टेड है लैंप्स के साथ। ये लैंप्स हैं, ये मेनली होते हैं ज़ीनोन लैंप्स। ये लैंप्स जो हैं हायर एनर्जी लिबरेट करते हैं। ये भी लैंप है। ये लैंप किस लिए हैं? ताकि ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करें, मींस एनर्जी दें इस रूबी क्रिस्टल को। ये हमारा है रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल हमारे पास, जो ये लेज़र एमिटिंग जो हमारे पास होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रूबी क्रिस्टल हो गया सॉलिड स्टेट में, या फिर गैसियस स्टेट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। गैसियस स्टेट या कोई सेमीकंडक्टर स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर। तो कई तरह के हमारे पास लेज़र एमिटिंग ये चीज़ें होती हैं। तो लगभग अगर हमें हाइयर पावर चाहिए तो हम सॉलिड स्टेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये रूबी क्रिस्टल हो गया। इस रूबी क्रिस्टल के अंदर हम क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग, ये क्रोमियम जो ऑक्साइड है एज ए इम्प्योरिटी मेटल इसके अंदर काम करता है। तो रूबी क्रिस्टल के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड की हम डोपिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये लैंप एनर्जी देंगे, जब इनको पावर सप्लाई मिलेंगे और ये एनर्जी देंगे इस रूबी क्रिस्टल को, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज एटम हैं क्रोमियम ऑक्साइड के, वो एक्साइट हो जाएंगे, मीन्स हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस आएंगे तो वो विजिबल लाइट की फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करेंगे। तो इस तरह से जब वो लिबरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फुली रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। एक तरफ जो रूबी क्रिस्टल का फुली रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, मीन्स इससे कुछ भी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी, फुली रिफ्लेक्टेड। तो सारी एनर्जी यहाँ से टकराएगी और जो दूसरे एटम्स को एक्साइट करेगी, तो सारे एटम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेशन में आ जाएंगे। और जैसे ही वो एनर्जी को लिबरेट करते रहेंगे, तो यहाँ पे है पार्शली रिफ्लेक्टेड सरफेस। पार्शली रिफ्लेक्टेड, पार्शली रिफ्लेक्टेड, ये है फुली रिफ्लेक्टेड। यहाँ से कुछ भी पास नहीं होगा, ये पूरा रिफ्लेक्ट करेगी एनर्जी को। और यहाँ से पार्शली मीन्स जो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी अंदर जनरेट होगी लेज़र बीम की, तो वो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी और
जब वो निकलेगी तो हम एक फोकस लेंस के थ्रू उसको फोकस करना भी जरूरी है ताकि उस एनर्जी को हम पूरा यूज कर सकें। तो ये लाइट इस फोकस लेंस के थ्रू एक जगह पे हम उसको फोकस कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग होगी और वेपोराइजेशन होगी, मेल्टिंग और वेपोराइजेशन होगी मेटल की, वेपर बनेंगे और मेल्ट होगा और जिससे मटेरियल रिमूव होगा। तो ये मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों मटेरियल के लिए यूज़ होती है। ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो है वो डक्टाइल नहीं होता, तो वो अगर हम उसे और किसी मशीनिंग पे करते हैं तो वो टूट सकता है। तो लेज़र बीम मशीनिंग बेटर है उनके लिए जो ब्रिटल मटेरियल हैं, जो बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं करते। तो इस तरह से ये पूरी लेज़र बीम मशीनिंग काम करती है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।